आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह को उनके अनुयायियों और प्रबुद्ध समाज ने उनके मूर्ति पर बापूधाम मोतिहारी के चांदमारी चौक पर लगी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके आदर्शों पर चलने का प्रण लिया। आज के नेता सत्ता सुख के भोगी कुर्सी के लिए अपने जमीर को गिरवी रख देते हैं। वहीं जयप्रकाश नारायण ने सत्तासीन सरकार की जड़ें हिला दी थी और अपने आप को सत्ता से दूर रखा था। समाग लाइव के लिए मोतिहारी से प्रशांत कुमार के साथ पटना से धीरज सिंह की रिपोर्ट। हम लोग तीन आदमी यहाँ खड़ा है जो कि हम लोग भोगी है जेपी आंदोलन के, और सबसे बड़ी बात है जो जेपी ने और छात्र समिति ने जो डिमांड रखा आज वो पूरा नहीं हुआ, और मैं चाहता हूँ कि नौजवान वर्ग आज भी जेपी के उस आदर्श को लेकर और रास्ता पर निकल जाए, आगे काम आसान हो। सबसे बड़ा मान था हम लोगों को भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है। आज भ्रष्टाचार का आलम यह है कि नीचे से ऊपर तक हर एक एक आदमी, उस समय भ्रष्टाचार कितना था हम लोग को उतना अंदाजा नहीं है जो आज देखते हैं कि किस भ्रष्टाचार से हो रहा है, और समाज जो है जात पात धर्म मजहब में बटा हुआ है, और तथाकथित जो है नेतृत्व वर्ग के लोग इस देश को लूटने लुटाने में लगे। जिस क्रांति के चलते बदौलत एक बार सत्ता जो हटी थी और यहाँ पर बिहार में क्या पूरे देश में एक संपूर्ण क्रांति की लहर पैदा की गई थी, आज भी उस तरह की लहर पैदा करने की जरूरत है। शिक्षा में भी सुधार की जरूरत है, स्वास्थ्य में सुधार की जरूरत है, और सामाजिक स्तर और सांस्कृतिक सब में सुधार की जरूरत है। सबसे पहले तो हम उनका नमन करते हैं, आज उनका जयंती है, और साथ साथ उनके आदर्श पर चलने के लिए जितनी भी बातें उनकी है उस पर चलने के लिए हम तमाम लोगों से आग्रह करते हैं। एक चीज था उनमें, वो सत्ता के कभी पीछे गए नहीं, और आज तमाम लोग सत्ता के पीछे रहते हैं, इसलिए सत्ता के पीछे नहीं जाए, देश सेवा के पीछे जाए। इन मुद्दों के लिए हम लोग जेपी के अगुवाई में 1974 में लड़ाई लड़े थे, मुद्दे आज भी जो कहते हैं वह बल्कि बढ़ गए हैं। जरूरत है आज नए लोगों को, नए नौजवानों को पुराने लोगों के मार्गदर्शन में आकर फिर से एक आंदोलन की जरूरत है।